जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ से पार्टी ने आज मुख्यमंत्री रमन सिंह का पुतला दहन किया। जगदलपुर शराब दुकानों को शहर से बाहर करने की मांग को लेकर बीते दिन तीन दिनों से आमरण अनशन पर बैठे जनता कांग्रेस जेके कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर झूमा झटकी हुई। दरअसल यहां पुलिस धरना स्थल पर बैठकर अनशन कर रहे जनता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उठाने पहुंची थी। इस दौरान पुलिस ने धरना स्थल में टेंट को उखाड़ दिया। इसके बावजूद अपनी मांग को लेकर अड़े कार्यकर्ताओं ने जमीन पर बैठकर अपना प्रदर्शन जारी रखा। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने भारी पुलिस बल के बीच मुख्यमंत्री का पुतला फूंकने में भी कामयाब हो गए। इसके पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर कार्यकर्ताओं को पकड़ लिया और पुलिस वैन में भर भर उन्हें थाने ले जाया गया। लगभग आधे घंटे तक पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झूमा झटकी हुई। बात है, और जब पुतला जलाने की बात हुई, गांधीगिरी से काम नहीं बनी तो पुलिस प्रशासन हमारे बीच आई, हमें धारा लगाने की बात कही। अब धारा ही नहीं, ना केवल नॉन अवेलेबल धारा लगाने की बात कही और चुनाव बर्तक के लिए जेल में डालने की बात को कही। और हमने उनकी धारा को स्वीकार करते हुए उन्हें आमंत्रित किया कि आपका काम और आपका भाग आप निभाए, हम आपको आमंत्रित करते हैं आपका काम करने के लिए, आपका स्वागत करते हैं। हम लोगों ने यह जवाब को दिया और तुरंत उन्होंने अपने तानाशाही रवैया दिखाते हुए हमारे बैठे पंडाल को तोड़ दिया हमारे सामने, हमें रोड में बैठा दिए हैं। इसलिए मैंने कहा उनकी ड्यूटी को देखते हुए पुलिस प्रशासन जिंदाबाद, उनके काम के लिए हम उनको बधाई देते हैं। वे अपना काम करें और हम हमारा अपना आमरण जारी रखेंगे जब तक शहर। जगदलपुर से बासुकी ठाकुर की रिपोर्ट।